The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के लिए मेरठ के भामाशाह पार्क को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस दौरान सीएम योगी के सम्मान में रैलियां निकाली गयी। यहां भारी संख्या में लोग सीएम योगी के स्वागत में पहुंचे। वहीं कुछ लोग तो सीएम योगी की एक झलक देखने के लिए भामाशाह पार्क पहुंचे, जिनका जायजा लिया हमारे पत्रकार निलोफर अंसारी ने। देखिए, आज हम मौजूद हैं मेरठ के भामाशाह पार्क के बाहर, जहां पार्क को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। आइए जानते हैं यहां पे मौजूद लोगों से कि यहां पर कितनी तादाद में भीड़ देखी जा सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी एक बार दिखाएं कितनी तादाद में यहां पर भीड़ मौजूद है। मैडम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है। आज आप क्यों आए यहाँ पर? ये आज योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तो हम उन्हीं से उनके स्वागत के लिए आए हैं। हमें स्कूल से भेजा गया है। हम सेंट थॉमस के अंदर कितने उत्सुकता है उनको देखने की? काफ़ी उत्सुकता है। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं वो किस तरह से हम लोगों के लिए हेल्प करते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है योगी जी की जो आपको बहुत पसंद आई है? उनकी काम करने की प्रणाली बहुत पसंद आती है। जैसे कि आपकी नज़र में कोई बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, कोई ये काम बताएंगे आप? देखिए, आजकल अपराध को तो रोका ही है उन्होंने, भाई अपराध वगैरह रोके हैं और हम लोग जो है निडर हो गए हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब उनकी विशेषताएँ हैं। सर, आप कैसे मौजूद हैं यहाँ पर? हम योगी जी के स्वागत के लिए आए हैं। अच्छा, आपको बुलाया गया है, आप खुद आए हैं? अपने आप ही अपने आप आए। कितने उत्सुक हैं आप? देखने के लिए उत्सुक है उनके। अच्छा, कभी पहले आपने देखा नहीं ऐसे? नहीं, नहीं, नहीं। पहली बार देखेंगे? पहली बार देखा। मैडम, आप कहाँ से हैं? हम दोनों जीआईसी से हैं, के स्टाफ हैं। अच्छा, आपको इनवाइट किया गया है? हाँ, इनवाइटेड है, फोन आया था। कितने उत्सुक हैं आप? उत्सुक हैं, तभी यहाँ खड़े हैं। हमने ऐसे नहीं देखा फेस टू। अच्छा, पहली बार देखेंगे इसलिए आप उत्सुक हैं। सर, उनके मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज योगी जी के स्वागत में यहाँ पहुँचे हैं। सर आप सरूरपुर से यहाँ आए योगी जी के स्वागत में? हाँ जी। आप वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, कब से हैं? वे 4 वर्ष हो गए। 4 सालों से। अच्छा, भाजपा में? भाजपा में। अच्छा, भाजपा में कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप भाजपा में शामिल हुए हैं? भाजपा की सुरक्षा और सभी चीज़ बढ़िया है। भाजपा की विकास का मुद्दा है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिए मोदी जी योगी जी ने, और विकास की गंगा है, सबका साथ सबका विकास, कोई बिना भेदभाव के। हमारी सरकार पहली सरकार है भेदभाव के साथ काम करती, जातिवाद में काम करती थी। हमारी सरकार निष्पक्ष काम कर रही है, कोई जाति भाव का किसी को वो नहीं है, और सभी का विशेष रूप से सभी का ध्यान करती है, सभी का काम करती है। आप भी योगी जी के आगमन में यहाँ पहुँचे? से मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी से, योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, योगी जी को देखने यहाँ पहुँचे आप? मैं जी हाँ। पहले कभी देखा नहीं है? नहीं देखा है, गोरखनाथ मंदिर में मिले हैं, ऐसी बात नहीं, जब सांसद जी थे जब मिला हूँ मैं। और जी, योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके दर्शन कर लूँ सब कुछ मिल जाए जी मुझे। किस चीज़ को लेकर आप उनके इतने बड़े फैन हैं? एक तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? एक तो लूट मारती जो थी वो खत्म होगी, मेरठ का चोर बाजार था वो खत्म हो गया है। और जी, इतना काम कर दिया योगी जी की तारीफ करो इतनी कम। ये हमारे आदेश पहुंच जी है, बहुत अच्छे योगी करता जी है। जो आज मेरठ को तोहफा देने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये उच्च नेतृत्व का सवाल है कि तोहफा हमें मेरठ की जनता को क्या मिलने वाला है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जब से, चाहे मोदी जी का नेतृत्व रहा हो चाहे योगी जी का नेतृत्व रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के लिए जो किया है वो कोई और राजनीतिक दल नहीं कर पाया। आप भी योगी जी के फैन हैं, कभी देखा है आपने उनको फ्रंट से? हाँ, मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय मतदाता संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक संगठन चलाता हूँ। और आज योगी जी हमारे बीच पहुँच रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है जिसको संबोधित करने आ रहे हैं, नगर निकाय का चुनाव है। मैं तो देश और प्रदेश की जनता से यही कहना चाहता हूं कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और कमल बनकर हर व्यक्ति काम करे, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करे। भगवान गोरखनाथ अवतारी हिंदू सम्राट माननीय मुख्यमंत्री, ये भी नाम गुरु जी का बहुत अच्छा है। सर, आप कितने उत्सुक हैं आज योगी जी को यहाँ देखने के लिए? उत्सुकता तो ये है कि जैसे नगर निकाय के चुनाव हैं और उसी संबंध में जो है
हमारे मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, और जो हमारा एक मुस्लिम समाज है जो कहते हैं कि वो भारतीय पार्टी से जो है कटा हुआ है, दूर है, आज वो भी बहुत बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज भी टिकट मांग रहे हैं, कमल के चिन्ह पर जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी जी सबको जोड़ रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा देश एक साथ एक ही पार्टी के साथ खड़ा होगा और पूरे विश्व में भारत का डंका। आपने हमेशा भाजपा को ही वोट दिया है? मैं जन्म से भाजपा को ही वोट देता हूँ, मैंने किसी दल को किसी दूसरे प्रत्याशी को। कौन सा काम ऐसा है जो आपको भाजपा को बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह से आप भाजपा को ही वोट देते आ रहे हैं? भाजपा का सबसे काम अच्छा ये है कि ये संपूर्ण समाज को, सभी बिरादरियों को, सभी समाज को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलती है, जातिवाद में धर्मों का तो ये कहना नहीं है ना कि वो सबको साथ लेकर चल रही है, और धर्मों से अगर बात की जाए वो तो ये बोलते हैं कि फर्क किया जा रहा है। वो देखो वो तो कहेंगे, लेकिन मैं ये प्रमाण बता रहा हूँ कि इस रैली में भी मुस्लिम समाज आया हुआ है, सभी जातियों के लोग आए हुए हैं, ये किसी जाति धर्म की पार्टी ना होके सबकी पार्टी है, इन्होंने देश को एकजुट किया है, और आज देश इतना विशाल, जो एक पहले से हम विशाल भारत कहते थे, आज वास्तव में विशाल भारत बना है। विधान परिषद के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से मुस्लिमों ने हमें मतदान किया है, चाहे धर्मेंद्र भारद्वाज जी एमएलसी का चुनाव हो, जी हां जी हां जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मुस्लिमों ने हमें मतदान किया है। तो आप कहना चाहे सीधे से कि मुस्लिम भी योगी के फैन है, मुस्लिम भी मानते हैं जो राष्ट्र का विकास चाहता है, जो देश से जुड़ा हुआ है, जो आक्रांताओं से जुड़े हुए सोच रखते हैं, ऐसे लोग तो माननीय मोदी जी और योगी जी को पसंद नहीं करते। जो राष्ट्र का विकास चाहते हैं, देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करता हुआ आया है। और इस बार निकाय चुनाव में या उपचुनाव में आप देख सकते हो, खतौली विधानसभा में कोई टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होगी। आप कहाँ से आए? अब्दुल्लापुर पास से। योगी जी को देखने पहली बार देखेंगे? पहले मैं आए थे पिछले महीने कचहरी पे आए थे, तो जब देखा नहीं था, दूसरे गेट से चले गए थे। दूर से देखा था? दूसरे गेट से चले गए थे, मेन गेट से देख नहीं पाए थे। आज देख लोगे? जी। कितने उत्सुक हो? योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी। भाजपा युवा मोर्चा की बात है, हमारे साथ जुड़े हैं आज, आप यहाँ पर मौजूद है किस लिए? आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, हम सब उसी में उन्हें सुनने के लिए, अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा, वो तो आप वैसे भी सुन सकते हैं टीवी पर या किसी और चीज़ के जरिए। ऐसी महान आत्मा को देखने का सौभाग्य जिन्हें मिल रहा हो, वो कैसे उस सौभाग्य को छोड़ सकते हैं? अच्छा, कभी पहले नहीं देखा आपने? बहुत बार देखा है, लेकिन हमेशा उन्हें देखने की प्रेरणा मिलती रहती है, हमेशा उन्हें देखने की। अच्छा, कब से आप युवा मोर्चा में? लगभग 15 महीने युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, और बाल्यकाल से ही मैं स्वयंसेवक हूँ। आप हमेशा से बीजेपी में रहे हैं या फिर किसी और पार्टी में भी कभी रहे? मैं जब से पैदा हुआ मैं तब से ही बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, और उसके बाद भाजपा के निरंतर ही विभिन्न दायित्वों पर रहा। कौन सी सबसे खास चीज है बीजेपी की जो आपको पसंद आती है, जिसकी वजह से आप बीजेपी? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। आपका नाम? मेरा नाम अमित प्रधान। अच्छा, प्रधान है, कहाँ के प्रधान है आप? युवा मोर्चा मेरे बहुत प्रधान, और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। सो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो मोस्टली भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, सो आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही। क्यों आए आप यहाँ पर? योगी जी से मिलने? यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी। कितने उत्सुक हैं आप, कितनी उत्सुकता है आपके अंदर उनको देखने के लिए? बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, और यशस्वी आदित्यनाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत हर एक कार्यकर्ता उत्सुक। अच्छा, क्यों आप उनके फैन हैं, किसी और नेता की क्यों नहीं, उन्हीं के क्यों नहीं, में क्या ऐसी खास बात है? देखिए, मैं शुरू से ही बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहा हूँ, और जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदार छवि है, तो हर एक कार्यकर्ता उनका बहुत बड़ा। अच्छा, आज योगी जी 500 करोड़ की 300 शिलान्यास का तोहफा देने जा रहे हैं मेरठ को, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है सन 2017 से, तो विकास की गंगा बही है। सबसे पहले क्या होता था, केवल और केवल भ्रष्टाचार हम प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का सुनते आ रहे थे, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से विकास की गंगा बह रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप स्वयं एक
एक लड़की हैं तो आपको भी एक आवाज होता होगा सड़कों पे निकलते हुए दिन रात कि अब आपको किसी प्रकार का खतरा या किसी प्रकार की छेड़खानी या बदतमीजी महसूस नहीं होती। अच्छा, ये काम सिर्फ योगी जी ने किया है या पूरी भाजपा को अगर देखा जाए केंद्र सरकार को उन्होंने भी किया है? नहीं, केंद्र सरकार ने भी किया है और योगी जी अब केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के नेता हो चुके हैं और उसका सबसे बड़ा उनका जो फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जितना उन्होंने साबित किया है खुद को, इतना पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में इतना नहीं होगा। डबल इंजन। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।